अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ताहिर भाई और हमेशा की तरह इस दफ़ा भी एक यूनिक आइडिया लोगों के लिए लेके हाजिर हुआ हूँ। एक पिज़्ज़ा शॉप यहाँ पर है और इनकी ख़ास बात यह है कि ये लोग जो पिज़्ज़ा बना रहे हैं ये लोग बनाते हैं कोयले के ऊपर आज तक जो है यहाँ पर नहीं देखा गया, खासकर हैदराबाद के अंदर। इस टाइम मैं मौजूद हूँ लतीफ़ाबाद के अंदर एस सेक्शन पुलिस स्टेशन के सामने 9 नंबर में। यहाँ पर एक पिज़्ज़ा शॉप है, मोबाइल शॉप, जैसे कि यूरोप तर्ज पे पाकिस्तान और हैदराबाद के अंदर खुसूसी मोबाइल शॉप्स बनती जा रही हैं, फूड शॉप, इसी तरीके की एक पिज़्ज़ा शॉप यहाँ पर है और इनकी ख़ास बात यह है कि ये लोग जो पिज़्ज़ा बना रहे हैं ये लोग बनाते हैं कोयले के ऊपर आज तक जो है यहाँ पर नहीं देखा गया, खासकर हैदराबाद के अंदर। ये एक यूनिक चीज़ आई है, मैं भी देखा मैंने तो मैंने सोचा वी लोग बनाऊँ और अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूँ। और एट द एंड आपको इनके कॉन्टैक्ट नंबर और बाकी डिटेल मिल जाएगी अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहें। चलें इसके बारे में हम जो है मालूम करते हैं। हमारे साथ आसिम भाई मौजूद हैं यहाँ पर कैमरे के अंदर, आप देख सकते हैं। इनसे हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं आइडिया इनके पास कहाँ से आया और किस तरीके से इन्होंने ये शुरुआत की। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ भाई का कि वो यहाँ पर आए और उन्होंने विज़िट किया और उन्होंने देखा कि एक बहुत अच्छा यूनिक आइडिया जो है वो हमने किया है। आपके पिज़्ज़ा में ख़ास बात क्या है, किस चीज़ का जायका है, क्या कोयले की जो है वो खुशबू आप इसमें से देख सकते हैं कि एक अच्छा यूनिक जो है वो आपको चीज़। जैसे कोयले की आजकल चाय बहुत ज़्यादा चल रही है, इन्हें जगह जगह पर ओपन हो रहा है, इस तरह पिज़्ज़े का पहली दफ़ा स्टार्ट हुआ है यहाँ पर और अभी यहाँ तो स्टार्ट है और इंशाल्लाह आपको जगह जगह पर दिखेगा और बहुत से लोग रबते भी कर रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमसे रबते भी कर रहे हैं कि आपने क्यों देखने के लिए भी आ रहे हैं कि आपने कहाँ से बनवाई है, हमने भी बनवानी है, या बहुत सारी लोगों को आइडिया मिल रहा है। क्योंकि तकरीबन 5 से 6 माह पहले हमने शॉप के लिए बड़ी स्ट्रगल की थी कि हमें कोई शॉप मिले कि हम पिज़्ज़े का जो है वो सेटअप कर सके, मगर किराए और एडवांस ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास इतना बजट नहीं था, मगर अल्लाह ताला के फजल से हमें ये आइडिया आया कि हम क्यों ना एक पट्टी बनाएं जिसके अंदर कोयले के साथ जो है वो हम पिज़्ज़े की शुरुआत करें, जिस तरह यूरोप के अंदर होता था पिछले गुजरे दौर के अंदर जब मशीनें नहीं होती थी तो इसी तरह जो है वो पिज़्ज़ा वगैरह जब बनाए जाते थे। तो ये हमने फूड कार्ट जो है वो ये गाड़ी एक बनाई है, आप देख सकते हैं, और अल्लाह ताला का शुक्र है जब से हमने लगाया है अल्लाह के फजल करम से बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ये कोयले पे बनाने का आइडिया कहाँ से आया आसिफ भाई आपके पास? ये कोयले का हमने जो है वो बाहर के ममालिक से देखा था जब यूट्यूब पर, तो फिर हमें भट्टी का जो है तजुर्बा आया कि हम भट्टी जला के फिर पहले हमने इसका जो है वो घर पे पहले तजुर्बा किया इसे और उसके बाद फिर हमने जो है ये यहाँ पर लगाया और अल्लाह ताला का शुक्र है जिस दिन से लगाया। पूरी भट्टी बना दिया आपने एक चिंची के ऊपर? जी बिल्कुल, पूरी भट्टी बनाई है और लकड़ियाँ जलाते हैं, अल्लाह के फजल से बड़ा अच्छा सेटअप ये चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर पॉइंट पे आप खड़ा करते हैं, कोई इश्यूज तो नहीं होते पॉइंट वगैरह पे खड़े करने? अल्लाह ताला का शुक्र है कि साथ में ए सेक्शन थाना है और भाई हमारे जो पुलिस वाले हैं तमाम भाई जो है वो आते हैं, पिज़्ज़ा भी लेते हैं और साथ में हमसे जो है वो रबते में भी हैं कि कोई प्रॉब्लम कोई मसला हो आप हमसे रबता करें। और मैं उनका भी बेशक जो दुकान अफोर्ड नहीं कर सकते वो इस तरह का जो सेटअप वो कर सकते। चलें, ये एक बिज़नेस आइडिया भी है और ये पिज़्ज़ा भी बड़ा मज़ेदार है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। सारी डिटेल एट द एंड ऑफ वीडियो आपको मौजूद मिल जाएगी इसी वीडियो के एंड में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।